महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, जो पांचवें वेद ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की मूल्यवान संपत्ति है। भगवद गीता भी इसी महाकाव्य से निकली है, जिसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इसलिए इसे शतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे, तो चलिए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत ओडिसी और इलियड से 7 गुना लंबा है। इसमें संपूर्ण महाभारत काव्य में 2,00,000 से भी ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं। हस्तिनापुर राज्य अपनी बड़ी संख्या में हाथी सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे हस्तिनापुर कहा जाता था। पांडव पक्ष के ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने उल्लेख किया कि क्या कुरु भाइयों में से कोई भी युद्ध में उनका पक्ष ले सकता है, और 100 में से केवल एक भाई ने पांडवों का पक्ष लिया। कहानी में दोनों परिवारों की लड़ाई का जिक्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर किया गया है, जो उत्तरी दिल्ली हरियाणा में स्थित है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, इसके बजाय वो दोनों पक्षों का हिस्सा थे। रानी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि परिवारों के बीच हुए महान युद्ध के लिए कृष्ण जिम्मेदार थे। गांधारी अंधी नहीं थी और उसने अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया था। अंधी रहने के निर्णय से उन्हें किसी को भी अभेद बनाने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिली थी। गांधारी के पुत्र को नग्न आने के लिए कहा गया था, ताकि दृष्टि से पूरा शरीर अभेद हो जाए, लेकिन उसने अपनी श्रोणी के चारों ओर एक कपड़ा पहना था, जो भीम के साथ लड़ाई के दौरान असुरक्षित रहा। पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद अभिमन्यु का पुत्र साम्राज्य का राजा बना। बात करते हैं कि महाभारत क्या है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है, जिसमें लगभग 1.8 मिलियन शब्द हैं। महाभारत दो भाइयों पांडव कौरव के बीच एक महान युद्ध की कहानी है। ये युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो भारत के हरियाणा राज्य में ऐतिहासिक स्थान है। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। वेदव्यास एक महान ऋषि थे, जिन्होंने कई अन्य महाकाव्य और ग्रंथों की भी रचना की थी। महाभारत की रचना का समय लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत की कहानी क्या है? महाभारत की कहानी पांडवों और कौरवों के बीच एक महान युद्ध की कहानी है। पांडवों के पिता पांडु थे, जो 5 भाइयों के पिता थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे, जो 100 भाइयों के पिता थे। पांडव और कौरव दोनों ही कुरु वंश के थे। पांडवों को उनके पिता द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और वो 13 साल के वनवास पर चले गए। वनवास के बाद पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। युद्ध में पांडवों ने जीत हासिल की, लेकिन इसने कई लोगों की जान ले ली। महाभारत का महत्व क्या है? महाभारत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ये हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के नई पहलुओं को दर्शाता है। महाभारत एक नैतिक कहानी भी, जो अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष को दर्शाती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, इस एनिमल्स को फीड कराना और उनकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।